क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना खा लो कुणाल। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे धनतेरस के एक दिन पहले यानी 21 तारीख को भाभी की लड़कियाँ दोनों चली गई घर घर की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि दिवाली में घर पे ही वो लोग अपना दिवाली मनाएंगे। तो यहाँ पे सब लोगों का देखिए सब कुछ सामान ऐसे पड़ा हुआ है। और भाभी जाएंगी कल, यानी कल 22 तारीख होगा धनतेरस के दिन वो जाएंगी। तो बस यहाँ पे सारा कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा था उन लोगों का। और यहाँ पे अर्णव अपने भैया को पा गए हैं तो एकदम चंगे हैं, क्योंकि भैया ने इनके बनाया आइसक्रीम और ये सच में बहुत टेस्टी आइसक्रीम कुणाल बनाया है, भाभी के लड़के का नाम है। और ये आइसक्रीम उसने कैसे कैसे बनाया मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे मैं शाम हो गई है तो शाम की चाय बना रही हूँ। और ये भाभी ने मेरी बनाया है पकौड़ी तो दी है खाने के लिए, तो बस हम लोग वही इन्जॉय कर रहे हैं। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और जीकू की भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो कुछ काम मेरे अधूरे रह गए थे तो उसको आज मैं पूरा कर रही हूँ। और घर में सब लोग भरे थे तो इसलिए पूरा भी नहीं हो पा रहा था मेरा काम। तो यहाँ पे सीढ़ी वगैरह भी आज क्लीन कर ली हूँ। तो भाभी जो छत पे रह रही थी वो चली गई अपने घर, तो यहाँ पे छत वगैरह भी मैं धुल ली हूँ और डस्टबिन वगैरह नहीं धुली थी उसको भी धुल के रख दी हूँ। और यहाँ पे पूरा जो ये पूरा हॉल है इसको भी मैंने धुल दिया है, और सीढ़ी वगैरह भी और उधर बालकनी वगैरह भी, क्योंकि ये लोग नॉनवेज खा रहे थे छत पे, तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि इसको क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ और दिवाली का टाइम था तो धुलना ही बनता ही है। तो इधर मैं सारा ये बालकनी वगैरह धुल दी हूँ, आज है धनतेरस तो शाम तक दीपक जलाने के लिए अच्छा सा हो जाएगा। तो बस ये देखिए उन लोगों ने अपना बर्तन वगैरह सब साइड करके अपना रख दिया है, हो सकता है वो आ भी सकते हैं अगर जो उनके तरफ बाढ़ थोड़ा कम नहीं हुआ रहेगा। तो अभी तो नाव से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर अगर जो ज़रूरत पड़ी तो वो आ भी सकते हैं वापस। तो फिलहाल दिवाली तो अपने घर सब लोग मनाते हैं चाहे जैसा भी हो, तो वो लोग अपने घर गए हैं दिवाली मनाने। और यहाँ पर छत वगैरह मैं सीढ़ी वगैरह सब क्लीन कर दी हूँ, तो चलिए चलते हैं आगे भी काम और है। तो आज है धनतेरस और आज ही के दिन मैं ये अपना किचन भी क्लीन कर रही हूँ, तो किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, क्योंकि किचन मैं क्लीन ऐसे नहीं की ना, वो लोग थे जब भाभी वगैरह तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि चीकू कभी भाभी के पास छत पे भागते थे, फिर अर्णव भी इधर उधर भागते थे तो मुझे डर लगता था, तो बच्चों को देखना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए और जब कोई आ जाता है तो इधर उधर भी इंसान बढ़ जाता है, वो लोग भी आगे वाले कमरे में आ जाते थे फिर सोफे पर आ जाते थे, फिर मुझे मैं सोचती वीडियो बनाऊँ फिर एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जब वो ओवरवाइस देती थी तो सब लोग आसपास होते थे इसलिए मैं वीडियो बना भी नहीं रही थी। तो मैंने आज ही बस धनतेरस से आज ही मैंने किचन क्लीन किया है और बस सब कुछ क्लीन कर लूँगी। और फ्रिज रात में मैं इसको साफ़ करूँगी, अभी बस डिब्बे वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ और कुछ दिन पहले ही मैंने अपने डिब्बे क्लीन किए थे नवरात्रि में थोड़े बहुत जो ज़रूरत के थे। तो वैसे अक्सर करके मैं डिब्बे वगैरह अपना क्लीन करती रहती हूँ, बस थोड़ा बहुत उसको हाथ लगाना था तो मैं बस लगा दी हूँ। ये मैं अपने मायके से लेके आई थी, और क्योंकि यहाँ पे पति देव दिवाली में बिल्कुल बिजी रहते हैं, आज भी अपने फैक्ट्री पे ही गए हैं, आज है धनतेरस तो बिजी रहते हैं, वो ला भी नहीं पाते हैं, और लाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा गांव है तो अच्छा मिलता ही नहीं है तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं अपने घर से लेके आई हूँ। और इस बार थोड़ा मैं अच्छे से नहीं, मन से नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा था जो सजाने बजाने में, तो बस ऐसे ही जो थोड़ा बहुत करना है कर रही हूँ। लगा दिए हैं, सब साफ सुथरा हो गया, नया पेपर लगने से थोड़ा सा लग रहा क्लीन क्लीन हो गया ऊपर भी सब कुछ। तो किचन वगैरह मेरा क्लीन हो गया था तो मैंने कहा मंदिर भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर भी मैंने क्लीन नहीं किया था क्योंकि मैं कपड़े के वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे मंदिर में नया कपड़ा बिछाना होता है तो ये कपड़ा ला नहीं रहे थे, बहुत बिजी थे। तो फिर आज मैंने कहा खाना खाने आए थे, मैंने कहा आप मेरे को दे के तभी जाइए। यहाँ पे चूहों ने क्या रायता फैलाया, सारे फूल अपने पास ले जाके भगवान के रख लिए हैं और उसको गद्दा बना के सो रहे हैं। चूहों पॉटी कर दी है यहीं पे, तो आसनी भी धोना पड़ा है और मैं भी कपड़े चेंज करके आई हूँ तब भगवान को सजाने, क्योंकि शाम हो गई है, या तो नहा के सुबह सुबह साफ करूँ मंदिर या तो कपड़े चेंज करके, क्योंकि चूहों पॉटी वगैरह धुली हूँ तो इसलिए
तो कपड़े चेंज करके अब जा रही हूँ भगवान का सब सब कुछ सजाने वजाने। तो यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने इसी पे लगा के फिर कट किया है, क्योंकि जब भी मैं हाथ में लेके या साइड में रख के कट करती थी तो ख़राब हो जाता था, तो इस बार यहाँ पे बिछा के और जो एक्स्ट्रा था बस वहाँ पे रख के ही तभी कट किया है। तो यहाँ कट हो गया और मंदिर में लग गया, फटाफट से सारे भगवान को सजा ली हूँ और यहाँ पूजा के बर्तन निकाल दे रही हूँ साफ़ करने के लिए। तो जब मैं जून में अपने घर से आई थी तो ये लाइट लेके आई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये दिवाली में बिजी रहते हैं तो कुछ भी मेरे को शॉपिंग नहीं करा पाएंगे और कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, तो इसीलिए मैं लेके आई थी घर से लाइट वगैरह अपना खरीद के। तो पर ये लाइट पता नहीं क्या हुआ, एक बार जला उसके वजह से जला ही नहीं तो मुझे हटाना पड़ा, लेकिन लग रहा था, मैं हमेशा लगाती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है, पर इस बार नहीं लगा पाई, पता नहीं क्यों जलते जलते एक बार में स्विच मतलब ख़राब हो गया, पता नहीं क्या बुझ गया। फिर ट्राई करते रह गए, नहीं बना, फिर दूसरा लाइट भी था उसको भी ट्राई कर रही थी, वो भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और ये भी मैं लेके आई थी तो मंदिर में सेट नहीं हो रहा था तो फिर अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं निकाल दी, क्योंकि बच्चे भी इसको ले लेके बार बार खेल रहे थे, मैंने कहा सेट भी नहीं हो रहा है, फिर हटा दी मैं। तो पूजा का जो बर्तन मांजने वाला साबुन है वो मैं छत पे ले आके रख दी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें मिट्टी मिला के साफ़ करने से कुछ ज़्यादा ही बर्तन साफ दिख रहे थे, तो मैंने सोचा बस यहीं पे रख देती हूँ साबुन और यहीं पे गमलों में से मिट्टी निकाल के रोज़ का रोज़ बर्तन धुल दिया करूँगी। तो जब ये लोग आ गए थे तो नहीं धुल रही थी, लेकिन अब चले गए हैं तो फिर से मेरा यही काम स्टार्ट हो गया है, तो छत पर ही मैं बर्तन सारे धुल लूँगी और नीचे बेसिन में मिट्टी मिला के नहीं धुलती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बेसिन भर जाएगा, तो इसीलिए छत पे ही बर्तन यहाँ पे माँज के और छत पे ही धुल लूँगी। तो यहाँ पे ससुर जी को मैंने बोला था कि जरा मेरे को फूल लेते आइएगा गेंदे का, तो ये इतना बड़ा बड़ा गेंदे का पेड़ लेके चले आए हैं, और यहाँ पे अर्णव और चीकू बार बार बाहर भाग रहे हैं क्योंकि बाहर लगी है बर्तन की दुकान, क्योंकि आज है धनतेरस, तो बस बच्चे बाहर ही भाग भाग के जा रहे हैं, इनको देखना भी पड़ रहा है, और इनके पापा अभी आए नहीं हैं, अभी आएंगे तो अर्णव को लेके जाएंगे मार्केट। तो यहाँ देखिए आ गए हैं और ये लेके गए हैं सारा ढेर सारा, इन्होंने पटाखे वगैरह अर्णव को दिला दिए, तो बिसिंग बैलून वगैरह सब लाए हैं ये, और आजकल नए जमाने का ये जो बंदूक है वो तो मुझे और इनको चलाने ही नहीं आ रहा है, बस इसको खोलने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि इसको चलाना कैसे है समझने में, फिर बारी बारी से सबका नंबर आया इसको चलाने के लिए, तो इस बंदूक को देख के बस यही याद आ गया कितने आदमी थे रे कालिया। और ये नेक्स्ट डे की है यानी छोटी दिवाली के दिन, तो ये 23 तारीख की ब्लॉग है, तो बस थोड़ा सा ही है, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह छत पे लेके चले आई हूँ सारे फूल वगैरह, बस फटाफट से इनको लगा लूँ क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो बहुत ढेर सारे घर में काम भी होंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग के यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग, आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप सब स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, मेरी कामना है, प्लीज़ स्माइल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये पेड़ जो है ना दूसरे गमले में से निकाल के मैं फेंकने जा रही थी, फिर मैंने कहा इसको साइड में लगा के रख ही देती हूँ, किसी को देने दबाने के काम आ जाएगा। तो चलिए आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दिवाली अच्छी हुई होगी, क्योंकि एडिटिंग बहुत बाद में कर रही हूँ तो यही कह सकती हूँ। ओके बाय।